देश की विभिन्न जेलों में बंद बंदी सिखों की रिहाई की मांग को लेकर चरखी दादरी में गुरुद्वारा पर रिहाई का पोस्टर लगाया गया है। इस मामले में आंदोलन करने की बात भी कही गई है। गुरुद्वारा पर पोस्टर लगने के बाद हिंदू संगठनों ने स्पष्ट किया है कि कुछ लोग देश में धार्मिक दंगे फैलाने की ताक में हैं। उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे और कानूनी कार्यवाही करेंगे। गुरुद्वारे के आगे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके अंदर कानून के तहत उनको कोई टाडा के अंदर बंद है, कोई आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है उसके तहत बंद है और इसके तहत बंद है, इस टाइप की सूचना मिली थी। तो हमने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत की। वहाँ भाई साहब ऐसा ऐसा सुनने में आया, ऐसा कोई पोस्ट लगा भी ऐसा बताते हैं कि वे लोग आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं और वे बंद हैं और उनकी रिहाई के लिए कुछ आप लोग वो पोस्ट लगा रखे हैं। तो मेरा मैंने उनसे कहा कि भाई साहब हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे जिन्होंने अपने चारों साहिजादों को शहीद कर दिया, गुरु तेग बहादुर जी थे जिन्होंने धर्म के लिए देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दे दिया, वीर बंदा बैरागी थे महाराजा रणजीत सिंह जी थे, हमें इन लोगों का सम्मान करना चाहिए या जिन्होंने जिनको कानूनी रूप से लीगल तरीके से ये घोषित कर रखा है कि ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे और देश को तोड़ने में इनकी साजिश में ये लोग शामिल थे और देश के विरुद्ध, भाई जैसे करतार सिंह का बयान, उसके वकील का बयान देखा था मैंने, उसने कह रखा भी मैं तो इस सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा हूँ और इसको कंटिन्यू जारी रखूंगा। हमें ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए या हमारे गुरुओं का सम्मान करना चाहिए? तो इसके खिलाफ भाई आप इस तरह के पोस्टर मत लगाइए। बोला जी हम तो ये जो अमृतसर में गुरु सिंह सभा है ना काल तक, उन्होंने हमें ये पोस्टर दिया है और हम तो इसको लगाए रखेंगे, हमारे अकाल तख्त से ये आदेश आया है कि ये पोस्टर लगाना है हर एक गुरुद्वारे पे। वहीं इसके बाद गुरुद्वारा प्रधान नीरज सांगवान ने सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी देने के आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत पर वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और कार्यवाही की मांग की। जी हमने चरखी दादरा गुरुद्वारा साहिब के सामने एक बैनर लगाया हुआ था जिसपे कई बंदी सिंह की रिहाई के बारे में उसकी जानकारी थी। तो उसमें कल हमारे पास दो फोन आए और एक सोशल मीडिया पर भी हमें धमकी दी गई है कि इनको बैनरों को हटा लो नहीं तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और बैनरों के बारे में जी आपको बता दूं, ये जो बैनर हैं इनके अंदर जो हमारी जो सरदार साथी सिंह साथी है ना, इनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, पूरी नहीं मतलब सज़ा से काफ़ी टाइम ऊपर हो चुका है। इसमें से कुछ से साथी बीमार भी चल रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम ये लोगों को पहुँचाएँ कि ये हमारे जो है समय अवधि पूरी करने के बाद ही जेल में बंद हैं। कुछ दिन पहले पीछे जो राजीव गांधी जी के हत्या जी के वो जो दोषी थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करवा दिया है। तो हमारा भी संवैधानिक अधिकार बनता है कि हम भी सरकार को ये हम दिखाएँ या रिक्वेस्ट करें कि ये हमारा अधिकार है। और इसके बारे में हमारे जो सिख कौम का जो सबसे बड़ा तख्त है असली अकाल तख्त साहिब अमृतसर, वहाँ पर भी हमारे जत्थेदार साहब ने ये हमें निर्देश दिया है कि हर गुरुद्वारे के बाहर ये बैनर लगाओ और शांतिपूर्ण इनकी ये मैसेज सरकार तक पहुँचाओ। अगर इसके बारे में भाई और भी अगर कोई दिक्कत होती है हमें तो इसके लिए हमने पुलिस में भी रिपोर्ट दी है। आज कुछ से यहाँ पर हमारे दादरी में लोकल के कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसको धार्मिक उन्ता बनाने की सोच रहे हैं और उसके लिए हमें वही सोशल मीडिया के थ्रू और फ़ोन करके भी दो फोन आए थे, उन्होंने हमें धमकी भी दी है इसके हटाने के लिए। हमने उनको रिक्वेस्ट से कह दिया है कि आप कानूनी कार्रवाई करो, अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने धमकी भरे लिए आज भी हमें वो मैसेज दिया है। इसलिए हम पुलिस प्रशासन को भी आज इसके लिए वो दरखास्त करेंगे, शिकायत करेंगे जी। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा की दीवार पर लगाए गए पोस्टर के बाद उसको फाड़ने और धमकी मिलने बारे पुलिस को शिकायत मिली है। पूरे मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी दोषी करार होगा उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए आज जो गुरुद्वारा साहिब है हमारे दादरी में उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ जो है ना पाया गया, इस संबंध में जो गुरुद्वारा प्रबंधक है नीरज सिंह सागवान उन्होंने एक दरखास्त भी दी है कि भी उन्होंने गुरुद्वारे के ऊपर ये पोस्टर लगाया है और इसको फाड़ने के बारे में कोई भी अगर प्रयास करेगा तो कोई एजिटेशन करने की वो तैयारी में है, क्योंकि वो जो पोस्टर लगा हुआ है उसमें कुछ एक ऐसे व्यक्तियों के चित्र हैं जो काफ़ी सालों से जेल में बताए जा रहे हैं।
जिस संबंध में हम वेरीफाई कर रहे हैं, उस दरखास्त के ऊपर हम वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई ये क्या कहानी है, क्या वास्तव में वो व्यक्ति जेलों में या किस प्रकार की सजा काट रहे हैं। नियम अनुसार अगर कोई ऑफेंस बनता है तो हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, अगर सोशल मीडिया पर किसी ने कोई धमकियां दी हैं, उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। बहरहाल, गुरुद्वारा पर पोस्टर लगाने के मामले ने तुल पकड़ लिया है। पोस्टर में जहां देश की विभिन्न जेलों में बंद बंदी सिखों की रिहाई की मांग की जा रही है, वहीं हिंदू संगठनों ने आपसी भाईचारा खराब करने और धार्मिक मुद्दा बनाने के इस मामले पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। गुरुद्वारा प्रधान द्वारा सोशल मीडिया पर धमकी मिलने की बात कहते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले को कैसे शांत करती है। सत्य खबर के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।